मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के एक टॉपिक लिमिट एज अ सम की। लिमिट एज अ सम एक छोटा सा टॉपिक इंटीग्रेशन का है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है। और इसके आंसर में भी एक खास बात है कि आप जो भी आंसर निकालेंगे वो क्रॉस चेक करना भी बड़ा आसान है। तो आइए हम देखते हैं लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन नंबर वन। इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 5 (2x²-x+4)। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें तीन टर्म हो 1, 2 और 3, इफ इट कंटेन्स थ्री टर्म्स देन इट वुड हैव वेटेज 6 marks एंड इफ इट कंटेन्स ओनली 2 terms देन इसका वेटेज होगा 4 marks का। और बहुत ही आसान और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसके लिए आप इसकी तुलना इस इंटीग्रल से कीजिए a to b f(x) dx से। तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2 द लोअर लिमिट, b इज इक्वल टू 5 अपर लिमिट। और व्हाट इज f(x)? f(x) देखिएगा, f(x) होगा आपका ये फंक्शन f(x) = आपका f(x) हुआ 2x²-x+4। अब इस लिमिट एज अ सम के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं है, मींस यू कैन नॉट कैलकुलेट इट डायरेक्टली। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल के यूजुअल क्वेश्चन करते हो आप, उसी टाइप का है। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक फार्मूले की मदद लेना होगी। तो आइए वो फार्मूला देखते हैं एंड कीप दिस फार्मूला इन माइंड। देन फॉर लेट अस सी व्हाट इज दैट फार्मूला। ये फार्मूला है a to b f(x) dx = लिमिट h→0 h f(a+h) f(a+2h) f(a+3h) up to f(a+n-1h)। तो ये फार्मूला आपके पास है इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने का, जो कि कई इंटीग्र कई जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई कर्व है, इस कर्व के बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स करके उन सारे एरियाज को कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से और हमें एक टोटल एरिया मिलता है। अभी हम इस गहराई में नहीं जाते और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस इंटीग्रल को इस फार्मूले की हेल्प से किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, मान लीजिए कि ये इंटीग्रल है आपका आई, देयरफॉर आई इज इक्वल टू देखिए आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू होगा लिमिट h→0 h (f)। a क्या है इस केस में, आप देखिए a है आपका 2 f(2) + h f(2+2h) f(2+3h) up to f(2+n-1h ब्रैकेट क्लोज। अब आपको f(2) निकालना है। व्हाट इज f(2)? तो f(2) निकालने के लिए आप किसका यूज करेंगे, तो आप ऑफ कोर्स यू हैव दिस फंक्शन f(x), आपके पास ये फंक्शन है f(x), तो f(2) के लिए इसका यूज करेंगे। तो f(2) क्या होगा, लिमिट h→0। अब आप इसमें 2 रखिए, लेकिन रखने का दोस्तों स्टाइल थोड़ा सा इस तरह से हो कि आपने जैसे सब 2 रखा तो ये हो जाएगा 2 × 2²-2+4, ये एक साथ रख के
प्लस, अब आपको इसमें रखना है 2 प्लस एच, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 एच होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एच प्लस 4 प्लस, ये आखिरी वाला रखना है हमें 2 प्लस एन माइनस 1 एच एक्स की जगह, तो 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 एच स्क्वायर माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 एच प्लस 4, ये सारे सब्सटीट्यूशंस हो चुके, एफ ऑफ 2 निकल गया, एफ ऑफ 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस 2 एच और एफ ऑफ 2 प्लस एन माइनस 1 एच, हमने इस स्टाइल में इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। अब आप देखिए कि अब इनको कैलकुलेट करने की बारी आई, तो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h ब्रैकेट, इसको आप 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच को डायरेक्ट कैलकुलेट ना करें, कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश करें, 2 इंटू 2 स्क्वायर को आप 2 इंटू 2 स्क्वायर ही रहने दें, माइनस 2 थोड़ा सा दूर ऐसा लिख दें माइनस 2 प्लस 4 प्लस, अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा आपके पास 2 इंटू 2 प्लस एच होल स्क्वायर ओपन कर दें, 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एच माइनस 2 प्लस एच प्लस 4 प्लस, अब आप अगली वैल्यू ये वाली निकाल दें 2 इंटू 2 प्लस 2 एच होल स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 एच माइनस 2 प्लस 2 एच प्लस 4 प्लस, आप देखिए लास्ट वाला जो एक्सपेंशन है ये एक्सपेंशन है आपके पास 2 इंटू दिस, इसका एक्सपेंशन देखिए, टू इंटू ये जो एक्सपेंशन है 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एन माइनस 1 एच माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 एच प्लस 4, और इस तरीके से ये क्लोज हुआ। अब सारे जब एक्सपेंशन हो गए तो इनको ऐड करने का एक स्टाइल है, उस स्टाइल को अगर आपने फॉलो किया तो आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। तो आइए वो स्टाइल देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h ब्रैकेट, अब आप इस कॉलम को देखिए जिस कॉलम में ये वैल्यूज आ रही हैं, इस कॉलम में देखिए लिखिए 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 4 4 4 हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4n प्लस, इस कॉलम को देखिए आप, इस कॉलम में आपके पास कॉमन आ रहा है एच स्क्वायर,
एच स्क्वायर कॉमन आया तो आपके पास बचेगा वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, अप टू एन माइनस वन स्क्वायर। अगेन ब्रैकेट क्लोज। इस वाले कॉलम को देखिए, इस वाले कॉलम में आपको कॉमन निकल रहा है टू इंटू टू इंटू एच, फोर एच, फोर एच इसमें से, फोर एच इसमें से, फोर एच इसमें से, तो आपके पास कॉमन आया है दोस्तों फोर एच। ब्रैकेट में आएगा वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। माइनस, अब आप इसको देखिए, इस वाले कॉलम में आप देखेंगे आपके पास वैल्यूज आ रही हैं टू 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 एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपके पास टू एन। आप इनको बिल्कुल सेपरेट रखें, अगर आप सेपरेट रखेंगे तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। माइनस, अब इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए माइनस कॉमन ऑलरेडी है, यहाँ एच कॉमन अगर हमने लिया तो आएगा वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन प्लस। अब हमारे पास है लास्ट में ये वाला कॉलम जिसमें सारी वैल्यूज फोर 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 है, रहना हाउ मेनी टाइम्स आर दिस एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा फोर एन, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हमने इसे लिखा। लिखने का तरीका दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इस तरीके से लिखिए, आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। बेशक थोड़ा सा एक्सपेंशन ज़्यादा होने के कारण लिखना ज़्यादा पड़ रहा है, पर आप माइंड मत करिए और गलती से बिल्कुल बचिए। सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि आपने इसको क्वेश्चन को सही कर दिया तो आपके सिक्स मार्क्स आएंगे, और जरा सी भी गलती हुई तो मार्क्स कितने कटेंगे ये फिर कोई भी नहीं जानता। तो आइए देखते हैं आगे का कैलकुलेशन इसका किस तरह से होगा। तो इसके लिए मेरे दोस्तों एक फार्मूले ये आपके पास है सीरीज के, ये आपको अपने दिमाग में रखने होंगे जो लास्ट ईयर एपी में और स्पेशल सीरीज में आपने पढ़े होंगे। सम ऑफ दीज नंबर्स एन माइनस वन बाय टू इंटू एन, ये एन माइनस वन तक है इसलिए यहाँ एन माइनस वन आया, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर अप टू एन माइनस वन स्क्वायर इज एन माइनस वन इंटू एन इंटू टू एन माइनस वन बाय सिक्स, ये है। तो ये फॉर्मूले को अगर ये सारी वैल्यूज हम इन दोनों वैल्यूज को मीन्स ये दोनों जो सीरीज की वैल्यूज हैं वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए क्या होगा, होगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच ब्रैकेट टू इंटू फोर एन प्लस एच स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें ये फार्मूला लगा दें, ये जो फार्मूले लिखे हमने दोनों इम्पॉर्टेंट सीरीज के, ये लगा दें एन माइनस वन इंटू एन इंटू टू एन माइनस वन बाय सिक्स, ये लगा दिया इसमें, प्लस फोर एच, फोर एच इसमें भी लगाइए आप फार्मूला एन माइनस वन इंटू एन बाय टू, ब्रैकेट क्लोज। अब आप दोस्तों इधर लगाइए माइनस, यहाँ देखिए टू एन एज इट इज एच इसमें लगा दीजिए एन माइनस वन इंटू एन बाय टू प्लस फोर एन, ब्रैकेट क्लोज, नो चेंज। अब आप देखें, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ओपन करने का थोड़ा स्टाइल है, आप स्टाइल को अगर फॉलो करेंगे तो सरप्राइजिंगली आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच टू इंटू ब्रैकेट फोर एन प्लस। अब आप ये जो एच है बाहर, अगर इस एच को आप मल्टीप्लाई अंदर करें तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपके पास फोर एन एच, एन और एच में बराबर डिफ्रेंशिएट करना आप, एच के लिए लाइन हमने ज़्यादा खींची ऊंची, प्लस एच इससे भी मल्टीप्लाई होगा एच क्यूब,
एन माइनस वन इंटू एन टू एन माइनस वन प्लस, यहाँ चाहे आप इस टू से इसको कैंसिल कर दें, टू टू जा फोर। अब ये जो एच है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो दोस्तों यहाँ आएगा आपके पास टू एच स्क्वेयर एन माइनस वन इंटू एन ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब आप देखिए एच इस ब्रैकेट के बाहर है, तो एच इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, सभी से होगा। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा टू एन एच प्लस एच स्क्वायर एन माइनस वन इंटू एन बाय टू प्लस फोर एन एच ब्रैकेट क्लोज। अब एक खास चीज कि इस क्वेश्चन के लिए एच का वैल्यू क्या होता है, तो इस क्वेश्चन के लिए एच का वैल्यू होता है बी माइनस ए अपॉन एन। एच का वैल्यू है बी माइनस ए अपॉन एन, और एच की जो वैल्यू है वो अगर हम, मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को और बेहतर समझ पाए। इस क्वेश्चन के लिए एच, इस क्वेश्चन में एच का वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन होता है, तो एच की वैल्यू होगी फाइव माइनस टू अपॉन एन। तो अगर आप एन को इधर भेज देंगे तो आपके पास आएगा एन एच इज इक्वल टू थ्री, एन एच इज इक्वल टू थ्री। और एच क्या है, एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एच जीरो की तरफ भाग रहा है, एच जीरो की तरफ होने की कोशिश कर रहा है। ये फिर मैं रब करता हूँ, अब हम इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके पास आएगा I इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ब्रैकेट टू इंटू फोर एन एच। अब एन एच की जगह आप थ्री लिख सकते हैं, लेकिन हम एक साथ सब में रख देंगे, कोई खास बात नहीं है। एच क्यूब, वी आर हैविंग एच क्यूब, एच क्यूब। अगर एच क्यूब को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो आपको एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ, जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और असरदार लगेगी। जैसे टू इंटू, हो सकता है कभी आपसे गलती हो, टू इंटू थ्री इंटू फोर इज नॉट इक्वल टू वॉट, टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू फोर। आप चाहें तो वेरीफाई भी करें, देखिए थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, टू थ्री जा सिक्स, फोर टू जा एट, सिक्स एट जा फोर्टी एट। तो ये 24 आया है, ये 48 आया है, ये इसी गलती के कारण आया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये ठीक था, 2 इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर, पर यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 को एक से ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, दोनों से नहीं कर सकते थे। पर अगर अपने पास यहाँ 2 की जगह 2 स्क्वायर होता तो आप दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते थे। इन द सेम वे वी आर हैविंग एच क्यूब, एच क्यूब है और आपके पास फैक्टर्स 3 है, तो एक एच आप इससे कर दो, एक एच इससे कर दो, एक एच इससे। जैसे यहाँ पर अगर टू स्क्वायर होता तो ये चीज़ तब सही हो जाती, तब ये ट्रू था कि टू इससे कर दिया, एक टू, एक टू को इससे कर दिया। इन द सेम वे आप एच को इसी तरीके से करें, एन एच माइनस एच इंटू एन एच अपॉन में सिक्स भी था इसके, टू एन एच माइनस एच अपॉन सिक्स। हो सकता है इसके पहले वाली स्टेप में भी रहा हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान दीजिएगा, प्लस टू एच स्क्वायर, एक एच इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक इससे, तो यहां आ जाएगा एन एच माइनस टू एन एच प्लस एक एच इससे, एक एच इससे,
NH माइनस H इंटू NH अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 4NH। अब हम बिल्कुल लगभग पास में हैं प्रूफ के, बड़े आराम से देखिए, पेशेंस रखिए, कोई घबराने की बात नहीं है, प्रोसीजर बड़ा आसान है, आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, आई गारंटी यू। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, तो अब हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हटा देते हैं, लेकिन एच टेंड्स टू जीरो वहीं आएगी जहां पे केवल एच हो, जैसे ये और जहां पर एनएच है, एनएच की जगह हम ये वैल्यू यूज करेंगे 3। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, 2 इंटू ब्रैकेट 4 इंटू एनएच की जगह 3 प्लस 3 माइनस एच, जहां एच इंडिपेंडेंटली है, एन उसके साथ नहीं है, वहां इसकी जगह 0, 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 0 इंटू 3 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 4 इंटू 3। अब केवल कैलकुलेशन है दोस्तों, आंसर अब हमारा आ चुका है, तो आइए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बोर्ड 2-3 बार रब करना पड़ा तो माइंड मत करिए। I इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 4 3 12, इसको चाहें तो आप कैंसिल कर दें, 2 3 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 3 9 प्लस 2 3 6, 3 18 माइनस 2 3 8 प्लस 3 3 9/2 अगेन ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 3 12, और कैलकुलेट कर देते हैं इसको फाइनली, 2 इंटू 12 प्लस 18 30 प्लस 9 39 माइनस 8 2 16 प्लस 9 27, 16 प्लस 9 25/2 प्लस 12। और अगर आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करते तो देखिए क्या होता, इंटीग्रल ऑफ 2x² माइनस एक्स प्लस 4 लिमिट 2 to 5, 2x³/3 लिमिट, पहले वाले का इंटीग्रल दिस लिमिट 2 to 5 माइनस x²/2 2 to 5 प्लस 4x 2 to 5। अब आप इसमें वैल्यू रखें और देखें क्या आता है, 2 इंटू 5³ 125 माइनस 2³ 8/3 माइनस 5² 25/2 माइनस 2² 4/2 प्लस 4 इंटू 5 - 2। अब देखिए 125 माइनस 8 कितना हुआ, 125 में से अगर 8 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2 1 1 1 7, और 117 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 125 माइनस 8 3 3 9 और 3 9 27, तो यही आ गया आपके पास 39। देखिए तो इसका मतलब ये वाला पार्ट सही है, माइनस इसको कैलकुलेट कर लें आप, 2 5² क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर है 25
माइनस फोर, तो ये जैसे हमारे पास 21/2 आया है, तो लेट अस सी, ये हो गया आपका 4 3 12, तो ये वाला पार्ट परफेक्ट है। माइनस, अब प्रॉब्लम किस में हो रही है अब वो भी समझ लेते हैं। ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर 2 × 39 विच इज ट्रू। माइनस, अब ये क्या होना चाहिए, दिस वुड बी 21/2 और ये है 4 3 12 विच इज ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये दोनों पार्ट हमारे सही हो गए। अब प्रॉब्लम किस वाले पार्ट में आ रही है, इस वाले पार्ट में आ रही है, तो दिस कैन बी रेक्टिफाइड, इसे हम सुधार भी सकते हैं। तो देखें कैसे सुधारेंगे हम, क्या गलती हो गई है। तो आप, चूंकि मैंने इस बोर्ड को रब कर दिया है, पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट था हमारे पास वो था 2 × ये था ब्रैकेट में 2 × यहाँ पे आया होगा आपके पास 2 × NH, और NH की वैल्यू मुझे 3 लिखना थी, मैंने लिख दी थी, इसकी जगह यहाँ पे लिखा होगा 4, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये 4 गलत है, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ आएगा 2 3 6 6। अब आप LCM लें आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 6 12 + 9 21/2। आप चाहें तो ये वाली चीज़ को पीछे जाके नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने NH की जगह गलती से 4 लिख दिया होगा। तो इस तरह से ये दोस्तों, ये टेक्निक इतनी शानदार जानदार टेक्निक है, इससे आप अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं। और कोई भी गलती हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, तीनों में मैंने जैसा आपको बताया है कि तीनों को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करें, तीनों को डायरेक्टली कैलकुलेट करें। अगर मान लो गलती हो गई है कहीं और आपके पास टाइम कम बचा है, तो जो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया है आंसर केवल वही लिखना है। और आंसर आप इसको कैलकुलेट करके, अब जो भी आपका आंसर आ रहा है आप इसे कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। भरसक कोशिश तो अपने को ये करना है कि अपनी जो भी गलती हो उसे हम सुधार लें, लेकिन टाइम अगर आपके पास कम है तो फिर एक समस्या है, फिर आप वही आंसर लिखिए जो डायरेक्ट हो। मेरे ख्याल से आपका ये जो वीडियो था इसका जो टाइम था अप्रॉक्स 28 मिनट्स का होगा, लेकिन लिमिट एज अ सम में एक और टाइप के क्वेश्चन पूछने का चांस बड़ा ब्राइट है, आइए हम देख लेते हैं, और उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा और आपका ये छोटा सा चैप्टर थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाएगा और आपको सीखने में भी इसे आसानी होगी। लिमिट हम कुछ भी ले लेते हैं, इसे मान लीजिए कि हमने लिमिट ले ली है यहाँ पे 3 to 5 की जगह आप 6 ले लें, 7 ले लें, 7 ले ली। यहाँ पर क्वेश्चन है e^2 का, अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, अब हम एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है e^2x + 1 dx, तो आप वही फार्मूला लगाएंगे, इसको कंपेयर करेंगे a^b f(x) dx से। a क्या होगा आप देख सकते हैं, a इज व्हाट 3, b इज 7, f(x) इज e^2x + 1, h नाउ यू कैन कैलकुलेट 7b - a, एज आई टोल्ड यू h इज b - a/n, तो h का वैल्यू हो गया 7 - 3/n, h का वैल्यू हो गया 4/n, तो nh का वैल्यू हो गया 4। कीप दिस थिंग इन माइंड, आप इसको ध्यान रखें कि nh का वैल्यू आपका 4 है। आप फार्मूला लगा दें, फार्मूला क्या कहता है आपका, देखिए इंटीग्रल a^b f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट h→0 h ब्रैकेट f(a) + f(a) + h f(a) + 2h अप टू f(a) + n - 1h, ये है आपका फॉर्मूला।
ये मोबाइल में मुझे दिखाई दे जाता है कि रेंज मुझे कहाँ तक रखना है जो कि वीडियो में कवर हो, इसलिए मैं इसे देखता हूँ। और ये मेरा मोबाइल मेरे रिमोट की तरह भी काम करता है, तो आप इस बात को माइंड मत करिए, आप इसे देख भी सकते हैं कि हाउ डज इट वर्क, दिस मोबाइल वर्क्स एज अ रिमोट, यू कैन सी हियर। सो आप इसको देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच एफ ऑफ ए इज वॉट, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ थ्री प्लस एच, एफ ऑफ थ्री प्लस टू एच अप टिल एफ ऑफ थ्री प्लस एन माइनस वन एच, ये कैलकुलेट, ये क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए कि इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ा आसान है, पिछले जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नेवर माइंड। एफ ऑफ थ्री, अब आप एफ ऑफ थ्री निकालने जा रहे हैं, उससे एफ ऑफ थ्री हो जाएगा आपके पास, इससे एफ ऑफ थ्री होगा ई टू द पावर टू इंटू थ्री प्लस वन, ई टू द पावर टू इंटू थ्री प्लस एच प्लस वन, ये वाली वैल्यू। अब अगली वाली वैल्यू, ई टू द पावर टू इंटू थ्री प्लस टू एच प्लस वन अप टू ई टू द पावर टू इंटू थ्री प्लस, अब ये नीचे जाना पड़ेगा, न्यू थ्री प्लस एन माइनस वन एच ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, बेहद आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच ब्रैकेट ई टू द पावर, आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, टू थ्री जा सिक्स प्लस वन, ई टू द पावर सेवन प्लस टू थ्री जा सिक्स प्लस वन, ई टू द पावर सेवन प्लस टू एच प्लस, इसको भी कैलकुलेट कर लें, ई टू द पावर टू थ्री जा सिक्स प्लस वन सेवन प्लस टू इंटू टू एच फोर एच अप टू ई टू द पावर, उसे भी कैलकुलेट कर लें, ई टू द पावर प्लस वन यहाँ पे और आएगा, मैं इसे साफ साफ लिख देता हूँ, ई टू द पावर टू इंटू थ्री प्लस एन माइनस वन एच प्लस वन। तो देखिए क्या आया दोस्तों, टू थ्री जा सिक्स प्लस वन सेवन प्लस टू इंटू एन माइनस वन एच ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखो कि ये टर्म से अगली टर्म कैसे जनरेट होती है, ई टू द पावर टू एच मल्टीप्लाई करके, इससे इसका जन्म किस तरह से होता है, ई टू द पावर टू एच मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब है दिस इज कॉमन रेशियो। और आपको जीपी का ये फॉर्मूला ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन माइनस वन याद होगा, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये इसका सम होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम यहां पर, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच व्हाट इज ए, ए इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज ई टू द पावर सेवन ब्रैकेट आर, आर इज दिस ई टू द पावर टू एच होल टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन अपॉन, ये एन है एच नहीं है, ई टू द पावर टू एच माइनस वन, टू एच माइनस वन।
अब इसको इसी के आगे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं जगह का फायदा उठाते हुए, एच ब्रैकेट ई टू द पावर 7, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2NH माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2H माइनस 1। इस H को आप अपॉन के अपॉन में भी ला सकते हैं, तो ये H नीचे आ जाएगा, तो यहां से हट जाएगा। अब आप देखिए NH का वैल्यू आपके सामने है, NH इज 4, therefore द इंटीग्रल H I इज इक्वल टू लिमिट H टेंड्स टू 0 e टू द पावर 7 ब्रैकेट e टू द पावर 2 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन, अगर आप e टू H में H की जगह 0 रख दें यहाँ पे और नीचे, तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं, आपको मिलेगा e टू द पावर 01 माइनस 1 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट। तो इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए उपाय है एक स्टैंडर्ड लिमिट जो आपको याद होगी, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए। वो स्टैंडर्ड लिमिट ये कहती है लिमिट y टेंड्स टू 0 e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन y इज 1। तो यहां 2h है और यहां h है, आप यहां देखिए यहां y है तो यहां भी y है, यहां 2h है तो यहां भी 2h होगा, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 2 से, तो ये लिमिट क्या होगी इस फॉर्मूले से 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा e टू द पावर 7 e टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये फाइनल आंसर इज दिस, और आप मल्टीप्लाई कर दें तो e टू द पावर 15 माइनस e टू द पावर 7 अपॉन 2, तो ये आपका आंसर आ गया। बड़ा आसान और सही तरीका है, हो सकता है थोड़ा आपको लेंदी लगा हो, पर माइंड मत करिए, इसे ज़रूर करिए, मिस मत करिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, और आपने देखा होगा कि इसमें गलती के चांसेस लगभग 0 हैं। मेरे हिसाब से 37 मिनट 43 सेकेंड्स या 44 सेकेंड्स हो रहे हैं, और इतने में आपका एक चैप्टर बड़े आसानी से कवर अप हो जाता है। और किसी भी तरीके की गलती ना करें, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, मुझे ज़रूर लिख भेजें। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इसे मैं अब थोड़ी देर से अपलोड करूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।